महाराष्ट्र कांग्रेस से इस उम्मीदवार को लेकर मचा बवाल। एनसीपी ने भी जताई नाराजगी। मुंबई कांग्रेस पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अपने घोषित उम्मीदवार को बदलने की आफत आन पड़ी है। पार्टी ने यहां से नवीन चंद्र बांदिवडेकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। नवीन चंद्र का सीधा मुकाबला शिवसेना के विद्यमान सांसद विनायक राउत और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे स्वाभिमानी संगठन के उम्मीदवार नीलेश राणे से है। दरअसल बवाल तब पैदा हुआ जब कांग्रेस उम्मीदवार नवीन चंद्र पर हिंदुवादी संगठन सनातन संस्था के कार्यकर्ता वैभव राउत के समर्थन का आरोप लगा। वैभव राउत वही है जो जिनके मुंबई के करीब नाला सोपारा स्थित घर से गुड़ बम बरामद हुए थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि वैभव राउत कथित रूप से हिंदू मान्यताओं के खिलाफ कार्यरत संगठनों पर हमला करने की साजिश रच रहा था। नवीन चंद्र बांदेव देवड़ेकर वैभव राउत की गिरफ्तारी के बाद मोर्चा लेकर उसका हाल पूछने गए थे और उन्होंने वैभव की कथित तौर पर हिंदू धर्म रक्षक बताया था। ज्ञात हो कि कांग्रेस ने सनातन संस्था पर पाबंदी की मांग की थी। मामले के खुल जाने के बाद कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में हड़कंप मच गया है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के खिलाफ एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने मांग कर दी कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार को बदल दे। एनसीपी के विधायक ने ट्वीट कर अपनी बात रखी है। मीडिया से बातचीत में आव्हाड का दावा है कि वैभव राउत उस संगठन का कार्यकर्ता है जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दामोदर गोविंद पानसरे कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्या का आरोप है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने ट्वीट पर मामले की जांच की बात कही है और मामला हाईकमान के पाले में डाल दिया है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।